दोस्तों, सावित्री बैच में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, सावित्री बैच सावित्री बाई फुले जी को डेडिकेट किया गया है। तो दोस्तों, कैसे हो? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। देखो, हमने क्लासेस में पीछे पैच किया, डीप नेक किया और हमने पैक नेक सीखा, तो लगभग हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। और आज हम क्या शुरू करेंगे? अब हम कॉलर शुरू करेंगे। लेकिन कॉलर शुरू करने से पहले हम लेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन। आज फिर हम एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की रहने वाली शांति देवी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, लगभग हम देखते हैं, लगभग नहीं ज़्यादातर ही देखते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, ट्रक ठीक करते हैं, गाड़ियाँ ठीक करते हैं, तो वो कौन होते हैं? जेंट्स होते हैं। लेकिन पहली महिला मैकेनिक शांति देवी इंडिया के अंदर, ट्रक मैकेनिक पहली महिला शांति देवी। दोस्तों देखो, काम कोई भी हो, ये नहीं है कि जेंट्स कर सकते हैं और लेडीज नहीं कर सकते हैं। लेडीज जहाज उड़ा सकती हैं, तो वो तो एक ट्रक ठीक करने वक्त की बात है। तो देखो, शांति देवी ने मिसाल कायम की कि वो भी मर्दों से पीछे नहीं है और सब काम कर सकते हैं। उनका क्या था, आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब थी, गरीबी के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली आए। और दिल्ली ट्रांसपोर्ट पर पहले उन्होंने चाय का काम किया, कभी कुछ काम पकड़ा, कभी कुछ काम पकड़ा। लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने सोचा कि मैं ट्रक मैकेनिक बनूंगी ताकि मैं अच्छे पैसे कमा सकूँ। आज वो अपने पति के साथ मैकेनिक का काम करती है, यानी ट्रक ठीक करती है। तो सब जानते हैं उनके बारे में, न्यूज़ में भी आता रहता है। उनसे इंस्पायर होकर दोस्तों, हमें तो बस एक डिज़ाइनर बनना है, सूट स्टिच करने हैं, और हम इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं। उनको देखो, शांति देवी को, जो कि ट्रक को बड़े बड़े ऐसे उठा के, वो क्या, जो उनके व्हील्स होते हैं कितने भारी भारी होते हैं, हथौड़े कितने भारी भारी होते हैं, उनसे उनको खोलना, सब चीज़ें वो कैसे करते होंगे। तो दोस्तों, हमें तो पंखे के नीचे बैठकर सूट को डिज़ाइन करना है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पूरे जोश के साथ हम अपने काम पर आगे बढ़ेंगे। हाउ द जोश? यस। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कॉलर। आज हम सीखेंगे हाफ बैन। हाफ बैन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट बैन हम शुरू करते हैं हाफ बैन, क्योंकि हाफ बैन से ही कॉलर शुरू होते हैं और स्टेप बाई स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पेन और कॉपी सब कर लीजिए, खोल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम ब्लॉक को रेडी करेंगे। अगर आपको थ्योरी समझ में आएगी तो आपके डाउट कम होंगे, तो आपको कटिंग समझ में आएगी। जब थ्योरी समझ में आएगी तो कटिंग समझ में आएगी, जब कटिंग समझ में आएगी तो आप स्टिचिंग अच्छे से कर पाओगे। जब आप स्टिचिंग अच्छे से कर पाओगे तो आपका बैन परफेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने डाला हुआ पिनटेक्स का डिज़ाइन किया हुआ है, और मैंने कुर्ती डाली हुई है, शोल्डर पर भी मैंने पिनटेक्स किया हुआ है और ये स्लीव्स पर भी किया हुआ है। तो पिनटेक्स वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, बारीक भी होते हैं, बट मैंने 0.25 हल्के से मोटे लिए हैं, तो ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने लिया है डॉक्टर कॉलर, इसे बोलते हैं बैन है, ये पूरी बैन आई हुई है। ये बैन मुझे लगती है सबसे ईजी बनानी, 5 मिनट में बन जाती है, सबसे ईजी बैन यही लगती है मुझे बनानी। आपको भी सिखाऊंगी 1 by 1। तो पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। आज हम जानेंगे हाफ बैन के बारे में। हाफ बैन क्या होती है? जो हाफ होती है उसे हाफ बैन बोलते हैं। जो पूरी नहीं होती है राउंड में, हाफ होती है, यानी कि हमारी गर्दन पर हाफ आती है, जो हमारे नेक पर हाफ आती है उसे हम हाफ बैन बोलते हैं। देखो, अब क्या होता है, हाफ बैन कंफर्टेबल रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं, फुल बैन नहीं डाल सकते और बैन डालना उनको पसंद होता है, उनको बैंड डालना पसंद होता है, बट वो फुल, कुछ हैवी साइज होती हैं जिनको फुल बैन अच्छी नहीं लगती,
कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइकल भी होता है बट फिर भी उनको बैन पसंद होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ बैन बना सकते हैं। इसमें जो हमारा फ्रंट नेक बनेगा वो राउंड में भी बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं जिससे सफोकेशन नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं बंद नेक नहीं डाल सकते और बैन भी डालना चाहते हैं, तो उनको हम अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हैं कि हाफ बैन आप बनवाइए, उनको ना सफोकेशन होगी और नेक भी बड़ा उनको हो जाएगा। क्योंकि मेरा कस्टमर है, जैसे वो मैंने बताया था आपको वो लूज़ लूज़ डालता है, तो थोड़ा सा उनको बैन भी चाहिए थी और टाइट भी नहीं चाहिए था, तो मैंने उनके सूट बनाए हाफ बैन के, उनको बड़े पसंद आए और लुक भी बहुत अच्छा पड़ा। हाफ बैन का लुक बहुत अच्छा पड़ता है। तो पहले स्टेप वन देख लेते हैं। हाफ मैंने आधी आधी बैन, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने जो बेसिक ब्लॉक बनाए थे, जो हमने पैक नेक यानी कि जो जिनके नेक बैक वाले नेक कम डीप थे, 5 से कम थे, यानी कि 1.25 इंच, 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच, इतने हमने नेक जो पैक नेक में बनाए थे, तो क्या करेंगे उसका ब्लॉक बनाया था हमने अलग। उसके बाद बनाए हमने डीप नेक। डीप नेक में क्या था, जिनका बैक का नेक 6 इंच हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12 तक, तो उनका जो ब्लॉक था वो अलग। इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं होता, बस एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ रहे हो आप, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप हर चीज़ सीख जाओगे, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना कि पहले नेक ये बनाया था, पहले नेक वो बनाया था। थ्योरी नोट कीजिए, कॉपी उठाइए और थ्योरी नोट कीजिए कि ओके अब हम पैक नेक, आप क्या करोगे, एक बार देख के कट करोगे, दो बार देख के कट करोगे, तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाक से देखोगे अच्छा डीप नेक है तो हमने इसका शोल्डर ये रखना है, अच्छा बैन बनानी है तो इसका शोल्डर बड़ा करना है, पैक नेक है तो आप बोलोगे अरे भाई इसका शोल्डर बड़ा करो, ये पैक नेक है वरना इसमें इसका ये खिंचाव पड़ेगा, तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो अब आप देखोगे ब्लॉक कि हम बैंड का ब्लॉक कैसे बनाते हैं। पॉइंट वन बताइए, लिखिए एक बार, एक लाइन सीधी ड्रॉ कीजिए। एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कीजिए। पॉइंट टू, अब हमारा शोल्डर, पहले आप ये देख लो कि हमें क्या क्या चाहिएगा। शोल्डर, शोल्डर लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, ये चीज़ें चाहिए हमें। शोल्डर हमारा कितना है, मान लीजिए 15, कितना माना हमने शोल्डर 15, और चेस्ट हमारी कितनी है 36, ओके, और कमर हमारी कितनी है 34, ये नाप चाहिए हमें। तो ये नाप नंबर दो पर, ये नाप सब नोट कर लीजिए, ये सब अपने अपने नोट कीजिए, ये सब अपने अपने नोट कीजिए। ब्लॉक की लेंथ, शोल्डर तीरा होता है दोस्तों, कमर, चेस्ट,
तो ये सबके पास मेजर होना चाहिए। नंबर तीन, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे शोल्डर, सबसे पहले उठाएंगे शोल्डर कि हमारा शोल्डर कितना है। सब अपना अपना शोल्डर नापेंगे कि शोल्डर कितना है, और साथ साथ कॉपी में नोट करना सबका शोल्डर, सब अपने साइज से ही बनाएंगे। तो हमने कितना लिया है यहाँ पर शोल्डर, तो अब ये हमारा है 15 इंच। लिखिए आप, नोट कीजिए, जब हम बैंड कॉलर बनाते हैं तो शोल्डर में हम क्या करते हैं, शोल्डर को 1 इंच बढ़ाते हैं। देखो डीप नेक में क्या किया था हमने, शोल्डर को कम किया था, और जो पैक नेक बनाए थे उसमें हमने शोल्डर को ना कम किया था ना ज़्यादा किया था, बस शोल्डर का हाफ किया था। अब हम बना रहे हैं बैंड, तो अब हम क्या करेंगे, 1 इंच को प्लस करेंगे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फुल शोल्डर, नोट कीजिए साथ साथ, फुल शोल्डर प्लस 1/2। पूरा तीरा प्लस 1, और हम उसको भाग दे देंगे 2 से। ये आपको ये नज़र आ रहा है, क्या करेंगे हम, फुल शोल्डर प्लस 1/2, जो हमारा पूरा शोल्डर होगा उसमें 1 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारा है पूरा शोल्डर 15, हमने इसमें 1 इंच किया प्लस, तो कितना हो गया 16, तो हमने किया इसका हाफ, डिवाइड टू का मतलब होता है 2 से भाग देना, 2 से भाग देना मतलब किसी चीज़ को 2 पार्ट में भागना, किसी चीज़ को 2 पार्ट में बांटना। तो ये फॉर्मूला देख के लगेगा अरे फॉर्मूला है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब भाग देना 2 से देंगे तो किसी एक चीज़ को 2 पार्ट में करना। तो हमने जब इसमें 1 प्लस किया, 15 में 1 प्लस किया 16 हो गया, और इसका हाफ हमने किया कितना आया 8। तो हम क्या करेंगे, अब 8 इंच पर लगाएंगे निशान, ये हो गया 8। अब हमने किया है 8 इंच पर लगाएंगे हम निशान, ये हमारा है ऑन फोल्ड। ये हमारी कौन सी साइड है, ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड में जैसा कि डेली बताती हूँ, ऑन फोल्ड होता है बंद साइड, जो कि हमारी साइड है, और जो उसके अपोजिट होती है वो होती है ओपन साइड, यानी कि खुली वाली साइड। ये बंद साइड, कपड़े को जब हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और वो बंद हो जाता है तो वो ऑन फोल्ड हो गया। तो हम ऑन फोल्ड की साइड मेजर टेप रखेंगे और दूसरी तरफ 8 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, नंबर 3 पॉइंट, आप साथ साथ नोट कर रहे हो ना, तो नोट कर लीजिए। देखिए 4, अच्छा कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कि हम 2 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, है ना, हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि हमारी क्लास में एक बच्चा था जब हम पढ़ते थे, 12th की बात है, तो वो पता है टीचर से क्या पूछते थे, जब प्यास लगती है पानी क्यों पीते हैं, दूध क्यों नहीं पीते तो कुछ क्वेश्चन ऐसे उगल जाते हैं दिमाग में, वो मतलब इतना वो थी, बोलती थी मैम
जब हमें प्यास लगती है पानी ही क्यों पीते हैं, दूध क्यों नहीं पीते? तो कई के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि दो से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। देखो ये है हमारा फुल शोल्डर, ओके, ये हमारा पूरा शोल्डर है। अब ये हमारा जो पूरा शोल्डर है, हमने इसमें एक प्लस कर लिया, यानी किसको बढ़ा लिया, जितना भी बढ़ा लिया एक प्लस हो गया। तो अब हमने कपड़ा कैसे रखा हुआ है, कपड़ा रखा हुआ है हमने ओन फोल्ड। ओन फोल्ड में तो डबल करके अगर हम इसी कपड़े को खोल देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये मेजर टेप में ऐसे आ जाएगा ना, 16x8 है तो ये 16 आ जाएगा। इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमने इसको डबल किया हुआ है, ओके। अब हम लिखेंगे नंबर 4 पॉइंट जो कि मेन है। अब हम देखते हैं कि ये कितना रखेंगे, हमने जो फर्स्ट ब्लॉक बनाया था, बेसिक ब्लॉक बनाया था, उसमें हमने कितना लिया था, 2.5 इंच, इधर से हमने कितना लिया था, 2.5 इंच। तो अब हम बैन बना रहे हैं तो कितना लेंगे, क्या हम कॉलर का नाप करेंगे या कैसे नाप करेंगे? देखो अगर मैं आपको कॉलर का नाप बताऊंगी तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे डिवाइड करना है, उसमें क्या प्लस करना है, तो आप काफ़ी कंफ्यूज, ये बात याद रखना आपको क्या करना है। 2.5, 2.75, 3 पॉइंट, जिनका साइज कम है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज में हम क्या करेंगे, 2.5, मीडियम साइज 3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो स्मॉल साइज होगा, थोड़ा कम साइज होगा, मतलब जो थोड़े पतले होंगे, हमसे थोड़े पतले होंगे, वैसे तो हम भी पतले ही हैं ना, कोई आज तक देखा है अपने आप को मोटा कहते हुए, तो नहीं कहेगा, वो कितना भी हेल्थी होगा तो अपने आप को सोचेगा इतनी मोटी तो नहीं हूँ, पतली ही हूँ, तो ऐसे ही बोलेंगे बस, जो थोड़ा सा हमसे पतला होगा तो उसको क्या करेंगे हम, 2.5 यहाँ पर मार्क करेंगे। अगर थोड़ा सा हैवी होगा, हैवी तो हम किसी को भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब साइज ऊपर होगा तो उसका कितना लगाएंगे हम, 2.75, तो उसका हम कितना लगाएंगे, 2.75। अगर हैवी साइज होगा, थोड़ा बड़ा साइज होगा, उसका लगाएंगे हम 3, ओके। अब जैसे हम लगा लेते हैं इसमें 2.75, कितने पे निशान लगाएंगे हम, 2.75, कुछ को क्या होता है कि बैन भी चाहिए, वैसे तो देखो परफेक्ट बैन का मतलब होता है जो नेक से बिल्कुल फिट हो, लेकिन हर कोई फिट नेक नहीं डाल सकता, कुछ को चाहिए कि नेक, ये नहीं है कि साइज कम है तो हम इतना ही लेंगे। कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए थोड़ा लूज बैन, मतलब नेक भी चाहिए उनको और बैन भी चाहिए, तो उनका हम 3 पे भी दे सकते हैं, नेक बनाएंगे 3 पर और बैन लगा देंगे, तो लूज में उसका भी लुक अच्छा आता है, ये नहीं है कि लुक अच्छा नहीं आएगा, लुक अच्छा आता है, तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। बट मैं ये बोलूँगी प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, आप तीनों की प्रैक्टिस करना, पुराने फैब्रिक पर और कटिंग न्यूज़पेपर पर करना। तो अब हमने निशान लगाया, कितने पर निशान लगाया, 2.75 नेक के लिए हमने निशान लगाया है। ये सबने नोट कर लिया, ये नीचे नोट कर लिया। नंबर 3, अब हम नोट करेंगे नंबर 5। कॉलर नेक में शोल्डर को
ज्यादा डाउन किया जाता है। कॉलर नेक में क्या होता है, शोल्डर को ज्यादा डाउन किया जाता है। अब हमने पैक नेक बनाया था उसमें हमने 1 इंच डाउन किया था, जो डीप नेक किया था उसमें हमने डाउन नहीं किया था। अब कॉलर नेक आ गया। अब देखो ये मैंने कॉलर डाला हुआ है, अब मेरी देखो ये कंधी कहाँ पर है, शोल्डर कहाँ तक आ रहा है, इधर आया हुआ है। तो अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि कॉलर में अगर हम छोटी कंधी बनाएंगे तो हम कॉलर डाल ही नहीं सकते। इसीलिए ये तो फॉर्मूला समझो, ये बन ही नहीं सकता, हमें शोल्डर बड़ा ही करना पड़ेगा। शर्ट की मैंने वो फर्मा बना के डाला हुआ है, तो उसमें मैंने 2 इंच डाउन किया है, क्योंकि वो बैगी स्टाइल है। वो शर्ट बन भी गई है, मैं आपको दिखाऊंगी, किसी दिन लेक्चर लगाएंगे उस शर्ट डाल के ही। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कितना डाउन करेंगे, 1 या 1 से ज़्यादा। तो हम क्या नोट करेंगे, 1 इंच या 1 इंच से ज़्यादा। कितना ज़्यादा, 0.50, 0.25। ओके, हम कितना भी कर सकते हैं, 0.25, 1.50, 1.25। इसका मतलब होता है दोस्तों 1.25, और इसका मतलब होता है 1.5 इंच। ये 1.25 इंच हो गया, ये कितना हो गया 1.5 इंच। तो हमें डाउन कितना करना है, 1.5 इंच पे भी कर सकते हैं और हम 1.25 पे भी कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं हम 1.25 इंच पर डाउन। जो 1 इंच के बाद 2 लाइन आएंगी तो वो कितनी पे होंगी, 1.25 पर। अब हमने किया है 1.25 इंच डाउन। आपको समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे डायगोनल लाइन, इसको हम क्रॉस लाइन भी बोलेंगे। ये हमने लगाई है क्रॉस लाइन, जो हमारा नेक है 2.75, और जो हमने डाउन किया है उससे हमने एक लाइन मिलाई है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर 6, ये नोट हो गया। नंबर 6 हम निकालेंगे आर्म होल, चेस्ट डिवाइड 6+1। अब भाई इसमें हमने 1+ कर दिया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब हमने डीप नेक किया था तो क्या किया था हमने, प्लस कितना किया था, 0.50। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने प्लस 1 कर दिया। तो ये होगा हमारा जो कॉलर नेक है, इसमें हम 1+ करेंगे, जो हैवी साइज है। जैसे कि जिनकी चेस्ट, अगर हम शर्ट का नाप लेते हैं 21, 20, 21, 18, 20, 21, तो हम क्या करेंगे, 1+ करेंगे। और जिनकी चेस्ट हैवी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, वरना क्या हो जाएगा, आर्म होल बड़ा हो जाएगा। और जो फुल हैवी साइज़ के हैं, यानी कि 52, 53, उनमें हम माइनस करेंगे, -1 या 1.5 इंच। ओके, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि आपके डाउट क्या आएंगे, तो मुझे लग रहा है जो आपके डाउट आएंगे तो मैं पहले ही दूर कर लेती हूँ। जिनकी चेस्ट देखो, एक साइज नॉर्मल, एक मीडियम, एक फुल साइज। तो नॉर्मल में हम क्या करेंगे, 1+ कर देंगे, और इससे ऊपर थोड़ा सा हैवी साइज जाएगा उसमें हम कुछ भी नहीं प्लस करेंगे। और जो पूरा हैवी साइज जाएगा उसमें क्या करेंगे हम, उसमें 1 या 1.5 इंच हम माइनस करेंगे। ओके, अब हमारी चेस्ट कितनी है, 36 डिवाइड 6
प्लस वन, तो कितना आया 36 को डिवाइड करेंगे। अगर हम 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, और इसमें हम करेंगे 1 प्लस तो हमारा आंसर आएगा 7 इंच। ओके, जैसे हम हमारी चेस्ट विदाउट लूजिंग, इसमें लूजिंग नहीं है, तो हमारी चेस्ट है 36, तो हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया 6, और हमने 1 प्लस किया तो हमारा कितना आ गया 7 इंच। तो अब हम आर मोल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, जो हमने डाउन किया है, और नीचे लेके जाएंगे हम, ये आ गया हमारा 7 इंच। अब आप बोलोगे 7 इंच ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, जो हम बैन वाले डालते हैं उसमें हमें थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, आर मोल उसमें थोड़ा बड़ा चाहिए, तो इसीलिए हम उसमें बड़ा कर लेते हैं। और जो हैवी साइज के हो जाएंगे, 6 से डिवाइड करेंगे वो तो ज़्यादा हो जाएंगे, 11 12 पर चले जाएंगे, तो हम उसमें 1 या 2 इंच माइनस करेंगे। ओके, अब हम लगाते हैं निशान, यहाँ पर करेंगे हम एक लाइन ड्रो, जो हमारी चेस्ट वाली लाइन होगी और आर्म होल वाली लाइन होगी। तो हमने निशान लगाया 7 इंच पर, आपको समझ में आ गया। नंबर 7 नोट कीजिए, सेवन इंच पर जो आपका आता है उतना ही लिखिए, 7 नहीं लिखेंगे वरना आप सब 7 पे ही लगाओगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अनुसार हमारा जो आंसर आएगा उस पर हम एक मार्क करेंगे। ओके, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आया 7 इंच, तो हमने 7 इंच पर एक मार्क किया। अब हम निकालेंगे, क्या करेंगे, जो हमारी लेंथ है उसका हम हाफ करेंगे, यानी कि सेंटर बनाएंगे। तो हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा बनेगा, ये आया है हमारा सेंटर पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर से लेकर नंबर 8 पर चेस्ट लाइन तक हमारा जो सेंटर आएगा देखिए, मेरा लिखने का मतलब ये है ताकि आपको समझ में आ सके, आप लोग देख के कन्फ्यूज ना हो, आपको समझ में आ सके, क्योंकि अगर आप अपने हाथों से लिखोगे तो आपके डाउट खुद म खुद दूर हो जाएंगे, आपको मुझसे पूछना ही नहीं पड़ेगा, आपके डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने ये लाइन ली है, तो अब हम पहले चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, 7 8 नंबर 9 पॉइंट, नंबर 9 पॉइंट हम लेंगे चेस्ट प्लस 3 डिवाइड बाय 4, लूजिंग हम कितनी डालेंगे, लूजिंग हम कितनी डालेंगे 3 इंच। हमारी चेस्ट कितनी होगी 36 प्लस 3 इंच डिवाइड बाय 4, तो 36 और 3 कितना हुआ 39, 39 डिवाइड बाय 4 9.75 इंच, यानी कि 10.5। देखो, जो हमारी चेस्ट है, हमारी चेस्ट कितनी है 36, तो हमने इसमें लूजिंग कितनी डाली 3 इंच की,
तो हमने चार से भाग दिया इसको, चार से भाग देके हमारा कितना आया 9.75 को क्या बोलेंगे हम, पौने 10 इंच। दोस्तों चार से भाग देना यानी कि जो हमारा मेन चेस्ट आई है हमें उसका निकालना है 1/4। समझ रहे हो कितना निकालेंगे हम उसका, 1/4 निकालेंगे, चौथाई भाग निकाल लेंगे। तो हमारा चौथाई भाग कितना है 9.75 यानी कि 0.5 इंच। तो हम लगाएंगे 0.5 इंच पर निशान। ऑन फोल्ड साइड से लेंगे हम 0.5 इंच, तो ये हमने लगाए निशान 9.75। अब हम मार्जिन रखेंगे कितना, एक ले लो, 1.5 इंच ले लो, मैंने आज 1.5 इंच मार्जिन ले लिया, ठीक है। कितना मार्जिन रखेंगे हम, 1 या 1.5 इंच, ये हमारा मार्जिन हो गया। अब हमारी कमर का निशान लगाएंगे। पहले तो हमने ब्लॉक की लेंथ ली हुई है ना, कितनी ली हुई है, 15-16 कितनी भी ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे नंबर 10 पर, 10 पॉइंट लिखेंगे हम। अब आपके पास 10 पॉइंट क्या लिखेंगे हम, वेस्ट, हमारी वेस्ट कितनी है प्लस लूजिंग डिवाइड बाय 4। तो कमर कितनी है हमारी, 34, इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे और 4 से हम इसको भाग दे देंगे, कितनी होगी 36 हमारी कमर आ गई है, और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9 इंच, 9 निकलेगा ना इसका, 1/4 निकलेगा 9 इंच। तो अब हम लगाएंगे कमर पर 9 इंच पर निशान। मार्जिन रखेंगे हम 1.5 इंच। आप साथ साथ नोट करते जाइए, चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिलाएंगे। जो हमने मार्जिन की लाइन ली हुई है तो हम चेस्ट की लाइन से कमर की लाइन को मिलाएंगे। ये हमने कितनी ली, 9 इंच, ये हमारी क्या है वेस्ट, ये हमारी क्या है चेस्ट, चेस्ट हमने कितनी ली 9.75 इंच, और ये हमारा पूरा हो गया मार्जिन। ये हमारा मार्जिन हो गया, ओके। जो जो आपका कंफ्यूजन था, जो डाउट थे, जो पीछे कुछ चीज़ें छूट गई होंगी आपसे, तो वो इस ब्लॉक में बिल्कुल पक्की हो जाएंगी अगर आपने ऐसे ऐसे करके वीडियो ना देखा हो, यानी कि अगर आपको स्पीड में स्किप ना करोगे, 1 बाय 1 स्टेप देखोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये निशान ड्रॉ किया था सेंटर बनाकर, अब हम रखेंगे सामना। सामना क्या होता है, सामना यानी कि जो हमारी फ्रंट और बैक की छांट या कटिंग होती है उसको सामना बोलते हैं। तो हमने ऊपर कितना निशान लगाया, हमारा शोल्डर कितना है 8 इंच, ये आपको नज़र आ रहा है। तो हम नीचे जाएंगे, नीचे 1 इंच कम जाएंगे हम, 1 इंच कम यानी कि 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये नोट कीजिए, शोल्डर से 1 इंच कम नीचे जाएंगे
मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको बिल्कुल इजी करके बता रही हूँ, ऊपर 8 है, नीचे जाके 7 हो जाएगा। और जो चेस्ट वाली लाइन है उस पर क्या करेंगे हम, चेस्ट लाइन पर 0.05 यानी कि आधा इंच, आधा इंच शोल्डर से कम जाएंगे। सामने के लिए शोल्डर से 1 इंच कम जाएंगे हम सेंटर में। और चेस्ट लाइन पर हम कितना जाएंगे, आधा इंच, 0.50 आधा इंच शोल्डर से कम जाएंगे। तो हमारी चेस्ट वाली लाइन कौन सी है ये, तो हम जाएंगे देखो ऊपर से हम आए नीचे 7 पे गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे आए कितने पे जाएंगे, 7.5 इंच पर, क्योंकि हमारा शोल्डर कितना है, अब ये निशान आपको नजर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा डाउन है और जो हमारा सेंटर है, एक लाइन ड्रॉ की हमने। ये हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। तो दोस्तों अच्छा कुछ डाउट होता है, आप सबका डाउट होता है कि बैक से तो हम 1/2 इंच लेते हैं तो क्या वो खिंचेगा नहीं, अगर खिंचाव पड़ा तो। अगर आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो तभी तो पता चलेगा आपको खिंचाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। दूसरी बात, जब हमने शोल्डर बड़ा लिया है यानी कि 8 इंच लिया है, तो हमारा खिंचाव कैसे पड़ेगा, पहले हमने ऑलरेडी कपड़ा ऊपर ज़्यादा ले लिया ना, समझ रहे हो। जब हमने शोल्डर ही ऊपर बढ़ा के लिया हुआ है तो हमारा खिंचाव कैसे पड़ेगा। और डीप नेक में क्या करते हैं, डीप नेक में तो वैसे ही कम लेते हैं, तो उधर शोल्डर ऊपर से ही कम लेते हैं तो खिंचाव नहीं पड़ता। बाकी फिर भी आप बना कर देखना कैसा रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच निशान लगाएंगे बैक पार्ट की साइड। तो जो साइज कम होता है उनमें तो हम 1/2 इंच ले लेते हैं, लेकिन जो हैवी साइज होता है दोस्तों उसमें हम कितना लेंगे, 1 इंच। जो हैवी साइज होगा, ये साथ साथ नोट कर लीजिए, जो हैवी साइज होगा उसमें हम 1 इंच लेंगे, जो साइज नॉर्मल होगा उसमें हम 1/2 इंच लेंगे। तो हम ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। हम क्या करेंगे, देखो 1/2 इंच का निशान हम इधर लगाएंगे क्योंकि हमारी यहाँ पर सिलाई मिलनी चाहिए दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये निशान लगाया है इससे हम लेंगे 1 इंच, 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। और 1 इंच पर ऐसे निशान लगाकर ये हम ब्रोकन लाइन करेंगे पहले। ये आपको समझ में आया, ये होगी हमारी फ्रंट कटिंग, ये होगी हमारी फ्रंट कटिंग। तो बैक कटिंग में भी हम कैसे करेंगे, ऐसे ही जाएंगे, ये हमारा हो गया बैक का पार्ट, ये हमारा हो गया फ्रंट का पार्ट। इतना आपको समझ में आया।
डॉट डॉट करके हमें दोनों लाइनें कहाँ पर मिलानी है, ये हम हाफ इंच लेंगे दोस्तों, ये हम कितना लेंगे 0.50, ये हम क्यों लेंगे चेस्ट से पहले, ताकि दोनों लाइन इक्वल हो जाए, यानी कि जब हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो तो बिल्कुल इक्वल और परफेक्ट आए, तो हम हाफ इंच लेंगे यहाँ पर। समझ में आया? अब हमने यहाँ पर एक इंच लिया, तो यहाँ पर हम कितना ले सकते हैं, 0.5 इंच भी ले सकते हैं, 0.75 भी ले सकते हैं, और एक इंच भी ले सकते हैं, और 1.25 इंच भी ले सकते हैं। जैसे हैवी साइज होगा तो हम बढ़ते चले जाएंगे, बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है, हैवी साइज में क्या करना है, नॉर्मल में क्या करना है, और कम में क्या करना है, ये चीज़ें साथ साथ नोट कीजिए आप। ओके, अब ये ब्लॉक समझ में आ गया आपको। अब हम नेक लेंगे, हम फ्रंट नेक कितना लेंगे, जब हम हाफ बैंड बना रहे हैं तो हमारा नेक तो बनेगा पूरा प्रॉपर, फ्रंट नेक यानी जो लूज डालते होंगे, तो हम कैसे लेंगे, हम बनाएंगे फ्रंट नेक, छ इंच या 6.5 इंच ले लेते हैं, ठीक है, 7 इंच भी ले सकते हैं, इसमें मार्जिन आ जाएगा, 7, 7.5 पर भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बैन लगेगी ये परफेक्ट आ जाएगा। तो फ्रंट नेक हमने कितना लिया, 6.5 इंच, और इसमें 0.5 इंच हमने प्लस किया, पॉइंट यानी कि 0.5 इंच प्लस किया, तो ये कितना हो गया, 7 इंच। तो हमारा फ्रंट नेक कितने पर कटिंग होगी, फ्रंट नेक की कटिंग कितने पर होगी हमारी, 7 इंच पर, 7 इंच पर हम कटिंग करेंगे। ऊपर से ब्रॉड हमने कैसे निकाला है पता चल गया आपको, अब हम 7 इंच पर कटिंग करेंगे, और 7 इंच पर लगाएंगे हम निशान, ये हमने 7 इंच पर, जितना ऊपर रखा है इतना ही हम नीचे लेंगे, और एक बॉक्स बनाएंगे 2.75, 3.5 इंच पर, 3.5 इंच पर हम ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक बनाया, अब हम इसका सेंटर लेंगे, जो हमारा सेंटर आएगा उसका सेंटर लेंगे, जो हमारा मेन सेंटर आएगा उसका भी हम सेंटर लेंगे, और 1 इंच पर या 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, वो नेक के ऊपर हमें कितना ब्रॉड करना है और कितना कम ब्रॉड करना है, वो नेक के ऊपर है, हम 1.25 लेंगे यहाँ पर, ऐसे हम राउंड नेक बनाएंगे, कोई भी शेप बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हो, वी में बना सकते हो, स्वीट आर्ट में बना सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, पान में भी बना सकते हो, और अलग अलग शेप होती है तो आप कोई भी बना सकते हो, बट हमने राउंड ही ले लिया यहाँ पर, तो हमने राउंड बना दिया। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ब्लॉक नंबर 11 पॉइंट। अगर आप इस तरह से सीखोगे और एक एक पॉइंट लिखोगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ये मुझे लगता है ब्लॉक सबके समझ में आ गया होगा, डन, सबको समझ में आ गया कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, तो अब हम कटिंग भी आराम से कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि हम नेक बैंड कैसे बनाएंगे। फ्यूजिंग पेपर, ये हमारा फ्यूजिंग पेपर है, इसको किया हमने ऑन फोल्ड, और एक लाइन ड्रॉ की, कितने इंच पर,
एक इंच पर। बैंड कितनी होनी चाहिए? बैंड तो हम नेक की कटिंग करेंगे, फिर नेक का हम सेंटर लेंगे, सेंटर से हम ऊपर जाएंगे, सेंटर से हमें ऊपर कितना जाना है? हम 2.5 इंच भी जा सकते हैं, हाफ इंच भी जा सकते हैं, एक इंच भी जा सकते हैं और सेंटर पर भी ले सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें बैंड कितनी बनानी है। वैसे जो ऑलमोस्ट बैंड होती है 12 इंच हो जाती है, 12.5 इंच हो जाती है, जो हैवी साइज होते हैं दोस्तों उनकी 13 इंच भी हो जाती है, 13.5 इंच पर भी हो जाती है। तो बस हमें ये देखना है कि हमें बैंड कितनी रखनी है, वो हम नाप के लेंगे। लगभग बैंड 12, 12.5, 13, 13.5 तक होती है। जो फुल हैवी साइज होंगे, जिनकी गर्दन पूरी मोटी होगी, तब उनका यानी कि साइज लगा लो अब कितना होगा बैंड का, 14 से ऊपर साइज नहीं होगा। फिर भी हम कितना लगाएंगे यहाँ पर, 12 इंच लगा लेते हैं या 12.5 लगा लेते हैं। तो हमारा कितना है, ये ऑन फोल्ड है, हमने डबल किया हुआ है, तो 6 इंच। अब हम हाफ इंच हम इसमें थोड़ा बढ़ा लेंगे, तो हम 2 लाइनें बढ़ाएंगे, यानी कि 0.25। 2 लाइनें हमने इसमें बढ़ा ली है और ये हो गया हमारा अब हम इसको ऊपर से राउंड में डालेंगे। ये देखो नजर आ रहा है राउंड, ऊपर से हम राउंड में डालेंगे कितना, 0.25 जितना राउंड ले सकते हो आप। ऐसे सीजर के साथ राउंड घुमा दोगे ऊपर से और हल्का सा हम क्या करेंगे, इधर से 0.25 यानी कि एक से भी कम एक लाइन जितना। ये नज़र आ रहा है आपको, नज़र नहीं आएगा, बस हमें इतना लेना है कि नज़र ना आए 0.25, बिल्कुल एक लाइन जितना। हम इसको इधर से डाउन करेंगे और इधर इस लाइन में मिलाएंगे, ये हमारी होगी ये बैंड कट। फिर हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको कपड़े पे कट करेंगे, ये पॉइंट आप साथ साथ बनाओ कि हमें कितना पॉइंट, यहाँ पर भी हम कितना करेंगे राउंड, हम कितना करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप पॉइंट में बनाओ। तो दोस्तों हमने पूरा जो थ्योरी सीखा आज बैंड नेक पर, हाफ बैंड नेक पर, तो कल क्या करेंगे, हम अगली क्लास में इसकी कटिंग करेंगे। तब तक जो आज आपने थ्योरी की है, तो आप क्या करना, अब आपने पूरी थ्योरी लिखी हुई है एक न्यूज़पेपर पे कट करना, ताकि जो भी आपके डाउट होंगे जब मैं कटिंग करूँगी कल, तब वो प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि 100 में से 80% जो वीकनेस रहती है स्टिचिंग के अंदर, वो कॉलर बैंड में रहती है। तो हमें वीकनेस को फेंक देना है, उखाड़ कर बाहर, तो हमें क्या बनना है, परफेक्ट। इसलिए आप आज ब्लॉग करोगे कटिंग न्यूज़पेपर पर बैंड वाला, और बैंड ऐसे कटिंग करके देखोगे जो मैंने पूरा आपको ड्रॉ करके दिखाया है और इसके बारे में आपको बताया है। तब क्या होगा, जो भी आपके डाउट होंगे, जो आपको कमी नज़र आएगी, तो कल जब हम क्लास में ब्लॉक को फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे, तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो मुझे ये बताइए, कल पैच किसने रेडी करके देखा है और पैच आपको कैसा लगा है, बना के देखा है आप लोगों ने, कुछ किया ट्राई? ये देखो फैब्रिक मेरे सूट का बचा हुआ, बाहर से कुछ परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, सब कुछ घर के अंदर ही मिल जाता है। सीक्वेंस वगैरह पुराने सूटों पे से सब कुछ मिल जाता है। मैं तो शर्टें भी ऐसे नहीं फेंकती, उनके भी बटन उतार लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, ठीक है दोस्तों। और एक जुनून के साथ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए, आपको भी डिज़ाइनर बनना है और आगे जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।